अनुष्का सदियात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बीजापुर क्विज प्रतियोगिता में छात्रों ने बनाया मिसाइल, बीओ ने किया पुरस्कृत। जनपद मिर्जापुर के विकासखंड 96 में ब्लॉक संसाधन केंद्र बीजापुर पर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का कार्यक्रम किया गया। कई बच्चों ने मिसाइल, रोबोट, जल संचयन, फेफड़ा, ब्लूटूथ सहित कई आश्चर्यजनक यंत्र बनाया था। जी किस कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 7। किस विद्यालय में? UPS भावान। जी आपके सामने एक जो है मिसाइल बना है, आपने बनाया है? ये मिसाइल बनाने में कितने दिन लगे? तीन नहीं लगा, आधा घंटा। मात्र आधा घंटा? आगे चलकर क्या करना चाहते हो? हम भी APJ अब्दुल कलाम की तरह मिसाइल मैन बनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? किस कक्षा में पढ़ती हो? ये जो मिसाइल बना है आपके पीछे, आपने भी इसमें सहयोग किया है? यस सर। आगे चलकर क्या करना चाहते हो? जिसकी प्रशंसा खुद खंड विकास अधिकारी ने किया। क्षेत्र के सभी 15 न्याय पंचायत के 114 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 50 बच्चे पास आउट हुए। उन्हीं 50 बच्चों में से टॉप 10 में से UPS विजयपुर की अंशिका विश्वकर्मा को प्रथम स्थान, CS नदिनी की सृष्टि दुबे को दूसरा, CS सेहरा के अंकित को तीसरा, नदिनी की रूबी को चौथा, बजटा के सनी प्रकाश को पांचवा, डेरवा के विशाल को छठवा, CS निफरा के निहाल पांडे, खमापुर के सुलेंद्र और रायपुरी के अमन आदि बच्चों को डायट मेंटर सहली सिंह और खंड शिक्षा अधिकारी राजेश श्रीवास्तव के द्वारा पुरस्कृत किया गया। आज क्विज प्रतियोगिता था, उसमें आप प्रथम आई हैं। कैसे आप प्रथम आई हैं? आप किसने आपका सहयोग किया? सर और मैम। जी किस तरह से प्रश्न आए थे उसमें? बहुत तरह से आए थे, सरल। किस विषय से ज्यादा प्रश्न? विज्ञान। जी क्या कहना चाहोगे? अपने सर और मैम को धन्यवाद करना चाहती हूं। जी उन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया। किस विद्यालय में पढ़ती हो? उच्च प्राथमिक विद्यालय बीजापुर। कार्यक्रम में डाइट मेंटर सैली सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी राजेश श्रीवास्तव, सभी ARP महीप कुमार शुक्ला, अखिलेश द्विवेदी, शांति प्रकाश दुबे, सदेंद्र कुमार, प्रेम शंकर मिश्र, सुशील धर दुबे, लाल बहादुर यादव, अवधेश मिश्रा, मणिकांत मिश्र, आनंद पांडे, प्रांशु सिंह, गणेश कुमार सहित सभी अध्यापक मौजूद रहे। सैली सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम विज्ञान से संबंधित था। कार्यक्रम का संचालन अमरेश शुक्ला कर रहे थे। सतीयात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं सैली सिंह, बैडमिंटन ब्लॉक छानने विजयपुर में आयोजित राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं थी वो निकल के आईं। उन्होंने जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान से संबंधित सभी प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए और ये उन बच्चों के द्वारा की गई प्रस्तुति बहुत ही उनके जीवन में, दैनिक जीवन से जोड़ेगी भी। और इससे जो निकल के आएगा वो ये चीज़ें हैं कि जो छिपी हुई प्रतिभा है वो बच्चों की निकल के आएंगी और जुड़ेंगे और आगे भी बच्चे बहुत प्रोत्साहित भी होंगे। क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया जिससे बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं थी वो भी सामने आएंगी। विजयपुर के बच्चों ने कुछ यहाँ पे विज्ञान से संबंधित कुछ बनाए भी थे, चित्र वगैरह, मिसाइल वगैरह, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? उन बच्चों को मैं बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए हिम्मत जुटाई। मैडम की किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे? हाँ, उन्होंने जीव विज्ञान से संबंधित फेफड़े का बनाया था जो बहुत ही अच्छा मॉडल लगा। एक जल संचयन का था, वो बहुत ही अच्छा मॉडल था जिसके द्वारा हम जो वेस्ट पानी जो होता है बारिश में उसे किस तरह से हम संचित कर सकते हैं और जो जल का व्यर्थ का जो प्रवाह है हम उसे रोक सकते हैं। तो ये मॉडल मुझे बहुत प्रस्तुत मतलब बहुत ही अच्छे लगे। सर आज BRC पर कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था बताएं? आज BRC पर जो है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के बीच में जूनियर हाई स्कूल के बच्चों की क्विज प्रतियोगिता कराई गई विज्ञान के संबंधी। तो प्रतियोगिता में जो है जूनियर हाई स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया और उसमें के 50 बच्चे जो प्रतियोगिता में उच्चतम स्तर के थे उनकी सूची बनाई गई और 10 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कितने बच्चों ने भाग लिया प्रतियोगिता में? 114 बच्चों ने प्रतिभाग किया। तो इसमें किसी पर्टिकुलर किसी स्कूल के बच्चे थे या फिर कोई एरिया मिला करके, नया पंचायत वगैरह मिला करके? पूरे ब्लॉक के थे। जी पूरे ब्लॉक के जो भी जितने जूनियर आए थे उन्होंने प्रतिभाग किया। कुछ प्रतियोगिता कराने पर बच्चों में क्या निखार है, क्या परिवर्तन आएगा उनके अंदर? कुछ प्रतियोगिता कराने का पहला तो ये है कि बच्चे जैसे पढ़ते तो सभी लोग किताब के हैं लेकिन वो इस तरह की तैयारी करें कि जो कंपटीशन में आगे प्रतिभाग करना है उनको मदद मिले।
क्योंकि अब आगे जो भी कंपटीशन होते हैं, कक्षा 8 के बच्चे, 6-7 के बच्चे, जूनियर के हैं, आगे जब भी हाई स्कूल या इंटर में जाएंगे तो उनको इसके मदद मिलेगी और विज्ञान के प्रति उनका जो रुचि है वो बढ़ेगी।